रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दुलारी की रिया और रागिनी नाम की दो बहुएं थी, लेकिन दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क था। दुलारी की छोटी बहू अच्छे परिवार की और अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहू छोटे घर की और कम पढ़ी लिखी लड़की थी। दोनों में इतना अंतर होने के कारण दुलारी अपनी छोटी बहू रिया को ज्यादा पसंद करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन सुबह सुबह दुलारी अपनी बड़ी बहू रागिनी को आवाज लगाकर बुलाती है और कहती है, बहू आज मैंने घर में अपनी शादी की सालगिरह की खुशी में छोटी सी पार्टी रखी है। सजावट से लेकर खाने पीने तक का सारा काम अच्छे से देख लेना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर कोई गड़बड़ हुई मेरी पार्टी में तो। दुलारी जी, इन सब की क्या जरूरत है? अब हम सब की उम्र नहीं है ये सालगिरह मनाने की। अब तो अपने शौक थोड़े कम कर दीजिए, बहू बेटे वाले हो गए हैं हम लोग। आपको लगता है कि हम बहू बेटे वाले हो गए हैं तो हम अपने खास दिन को खुशी से नहीं मना सकते? मैं आपको इतनी बूढ़ी लगती हूँ क्या? नहीं दुलारी जी, मेरे लिए तो आप अभी भी उतनी ही सुंदर हैं, जवान हैं, जितनी आप शादी के टाइम पर थी। हाँ पापा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी माँ को देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनके इतने बड़े बच्चे हैं। बिल्कुल सही कहा भाई आपने, हमारी माँ तो बहुत यंग है। मैं तो सोच रहा हूँ कि माँ पापा की सालगिरह के दिन इनकी दोबारा शादी करवा दें। आइडिया बुरा नहीं है छोटे, क्यों पापा सही कह रहे हैं ना हम? नेकी और पूछ पूछ। चुप करो तुम दोनों, सुबह सुबह मजाक में लग गए और आप भी इन्हीं का साथ दे रहे हैं। कुछ शर्म कीजिए, इतने बड़े बच्चे हैं आपके। शर्म की क्या बात, अपनी बीवी से दोबारा शादी के लिए बोल रहा हूँ, किसी और से नहीं। तुम दोनों अपनी मस्ती बंद करो और ऑफिस जाओ, और शाम को टाइम से आ जाना। जी माँ। जी माँ। माँ जी आप चिंता नहीं करो, हम सब काम बहुत बढ़िया तरीके से कर लेंगे, आपको शिकायत का कोनो मौका नहीं देंगे, ना ही आपकी पार्टी खराब होने देंगे। पार्टी तो वही खराब हो जाएगी जहाँ तेरा मुंह खुला, वहाँ तेरी गवार पंती तो तेरी सुंदर शक्ल भी नहीं छुपा पाएगी। बहू तू एक काम कर, तू पार्टी में किसी से बात मत करियो और ना ही अपना ये मुंह खोलियो। काय माँ जी, काय इतना बुरा बोलती है? नहीं नहीं भाभी, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। माँ जी तो बस ऐसे ही बोलती रहती हैं। माँ जी आप चिंता मत करिए, मैं सब हैंडल कर लूँगी, यू डोंट वरी। अब तू इसके साथ है तो मुझे भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुझ पे खुद से भी ज्यादा विश्वास है। अच्छा मुझे अब शॉपिंग पर जाना है, तुम दोनों सब देख लेना, मुझे आते आते रात हो जाएगी। ओके माँ जी। इतना कहकर दुलारी शॉपिंग के लिए चली जाती है और रिया अपने कमरे में जाकर आराम से फोन पर बातें करने लगती है, और रागिनी मेहमानों के लिए रात का खाना बनाना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद जब रिया अपनी जेठानी को ढूंढते हुए किचन में आती है तो देखती है कि वो जमीन पर बैठकर सिलबट्टे पर मसाले पीस रही है, जिसे देखकर रिया बोलती है, जेठानी जी ये आप क्या कर रही हैं पूरे किचन को फैलाकर? शाम होने वाली है, जाकर अच्छे से तैयार हो जाइए, पार्टी का टाइम होने वाला है, माँ जी आती ही होंगी, आपको ऐसी हालत में देखेंगी तो बहुत सुनाएंगी। अरे देवरानी जी, हम भी तो ही कह रहे हैं, सांझ ढलने को आई है, अभी तक कोनो खाने का आता पता नहीं है और ना ही घर में कोनो सजावट हुई है, बताओ हम काय सज धज के बैठ जाएं? जेठानी जी घर में पार्टी है, पूजा नहीं जो थोड़े से प्रसाद में हो जाएगा। पार्टी के काम के लिए बाहर से लोग आते हैं और वो सब करके चले जाते हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ता सिवाय तैयार होने के। मैंने उन सबको बुला लिया है, 3-4 घंटे में वो आ ही जाएंगे। अच्छा हमें तो पता ही नहीं था, हमारे गांव में तो किसी की भी शादी होती है तो खुद ही खाना पकाना पड़ता है, फिर करो पार्टी। नहीं जेठानी जी, यहाँ सब काम फोन पर हो जाता है, जिसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं, आप नहीं समझोगी। इतना कहकर रिया अपने कमरे में तैयार होने चली जाती है, और थोड़ी देर बाद जब दुलारी शॉपिंग से घर वापस आती है तो देखती है कि सारा घर बहुत अच्छे से सजा है और केटरिंग का भी सारा काम बहुत अच्छे से सेट हो गया है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। तभी दुलारी की छोटी बहू रिया उसके पास आती है और अपनी जेठानी की गवार पंती के बारे में बताती है। उसके बाद वो अपने काम के बारे में बताती है, जिसे सुनकर अपनी बड़ी बहू को वो बुलाती है और कहती है, ये मैं क्या सुन रही हूँ, आज फिर सुबह तूने अपनी गवार पंती दिखाई, आज अगर रिया बहू नहीं होती
तो हमारी इस पार्टी और इस घर की इज्जत का क्या होता? जाने दीजिए माँ जी, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना। अब चिंता मत करो, मैं जेठानी जी को सब सिखा दूंगी। देख तुझसे छोटी है फिर भी इसे हर चीज की कितनी नॉलेज है। और ये तूने क्या पहना हुआ है? आज घर में पार्टी है, तेरे गांव की कोई नौटंकी नहीं है, जा कुछ अच्छा पहन कर आ। ठीक बा माँ जी, लेकिन हमारे पास तो ऐसे कपड़े है ही नहीं, हम का पहने? रिया बहू तुम थोड़ा अच्छे कपड़े देख दो इसके लिए, ताकि ये पार्टी में पहन सके। सभी लोग तैयार होकर पार्टी में आते हैं और सभी मेहमान सजावट से लेकर हर चीज की बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन तभी सबकी नज़र रागिनी पर पड़ती है, जिसने पार्टी में गवारों की तरह रंग बिरंगी साड़ी पहनी थी, जिसे देखकर सब उसका बहुत मजाक बनाते हैं। लेकिन दुलारी सबके सामने उसे कुछ नहीं बोल पाती। थोड़ी देर बाद सबको पार्टी में ऐसे खड़े सिर्फ बातें करते हुए देखकर रागिनी अपनी देवरानी रिया से बोलती है, देवरानी जी इस शहर में का ऐसे पार्टी होती है? सब लोग कैसे चुपचाप बस एक दूसरे से ही बतियाए जा रहे हैं, कोनो और बात करते ही नहीं है। अरे पार्टी तो हमारे गांव में होता है, तनिक हमार माँ देखो कैसे गाना बजाना करती है, ऐसे डांस करती है, का मजा आता है। यहाँ तो बस फुसफुसाने से ही फुर्सत नहीं। अब सही कह रही हो जेठानी जी, इन सबको आता ही नहीं होगा पार्टी एंजॉय करना। एक काम करो, आप ही बता दो इन सबको डांस करके कि पार्टी एंजॉय कैसे करते हैं। सच्ची देवरानी जी, माँ जी कहीं कुछ बोली तो? माँ जी को मैं देख लूंगी। रागिनी रिया की बात मानकर पूरी पार्टी के सामने अपने कमर पर हाथ रखकर जोर जोर से गाते हुए मटकने लगती है, जिसे देखकर सब लोग बहुत जोरों से हंसना शुरू करते हैं। रागिनी को थोड़े समय तक तो लगता है कि सब उसका डांस देखकर खुश हो रहे हैं, इसीलिए सब उस पर हंस रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसका डांस खत्म होने के बाद भी लोग हंसना बंद नहीं करते, तब उसे थोड़ा अजीब लगता है। और जब उसकी नजर अपने घर वालों पर जाती है तो वो समझ जाती है कि सब लोग उसका मजाक बना रहे हैं, और वो चुपचाप पार्टी से अपने घर के अंदर चली जाती है। और तभी उसका पति यश बोलता है, तुम्हारी गवारपंती की हद होती है यार, तुमने आज अपने साथ साथ पूरे परिवार वालों का मजाक बना दिया। मैंने तो पहले ही कहा था ये गवार पूरी पार्टी खराब कर देगी। इस तरह से परिवार के सब लोग उस पर गुस्सा करके चले जाते हैं और वो अपने कमरे में बैठकर रोना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद उसकी देवरानी उसके कमरे में आकर बोलती है, क्या हुआ जेठानी जी, आप इतना रो क्यों रही हैं? आपने तो सच में पार्टी में रंग जमा दिया। देवरानी जी अगर सच में ऐसा है तो सभी लोग हम पर इतना बरस कह रहे हैं जैसे हम डांस नहीं किसी की जान ले लिए हूँ। आप उनकी बातों पर ध्यान मत दो, वो सब चलते हैं आपसे, बस आप माँ जी को मत बताना कि मैंने आपको डांस करने के लिए बोला था। रागिनी रिया की बात मानकर अपनी सास को कुछ नहीं बताती। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और एक दिन अचानक रागिनी रिया के कमरे में जाती है और उसे अपने दोस्तों से अपना मजाक उड़ाते हुए सुन लेती है। सब कुछ समझ भी जाती है कि रिया उसके गवार होने का फायदा उठाकर उसकी सास की नजरों में उसे गिरा रही है, और रागिनी जाकर अपनी सास को सब कुछ बताती है, जिसके बाद उसकी सास दुलारी रिया को बुलाकर बहुत सुनाती है, जिससे उसे अपनी गलती समझ में आती है और वो अपनी जेठानी रागिनी से माफी मांगती है और धीरे धीरे उसे भी अपनी तरह बना देती है। राधिका अपने कमरे में तैयार हो रही होती है, क्योंकि वो कॉलेज जाने के लिए लेट हो रही थी, इसीलिए वो अपनी माँ को आवाज लगाकर बोलती है, माँ मेरा खाना रेडी हो गया क्या? मुझे नहीं पता बेटा, अपनी भाभी से पूछ ले। क्या यार, अब भाभी से भी पूछना पड़ेगा, पता नहीं उन्होंने भी कुछ बनाया होगा या नहीं, जाकर देखती हूँ। राधिका अपना बैग उठाती है और किचन में अपनी भाभी के पास जाती है। उसकी भाभी रसोई में खाना कम बना रही थी और खा ज्यादा रही थी। तभी राधिका अपनी भाभी से बोलती है, भाभी ये आप क्या कर रही हो? मैं कुछ भी तो नहीं, वो तो मैं बस खाने में नमक देख रही थी कि सही है या नहीं, वरना आप सबको पसंद नहीं आएगा। पसंद तो तब आएगा ना जब खाने को कुछ बचेगा। जिस तरह से आप खाने में नमक चेक कर रही थी ना, उस हिसाब से तो हमें नमक से ही रोटी खानी पड़ेगी। क्या मतलब है तुम्हारा राधिका? कुछ नहीं भाभी, मेरा खाना बन गया है या मैं जाऊँ?
अरे बस 2 मिनट रुक जाओ, अभी लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। राधिका बाहर ड्राइंग रूम में आकर बैठकर वेट करने लगती है। इधर काव्या खुद से बोलती है, आई बड़ी मुझे समझाने वाली। अरे कॉलेज जाती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपने आप को मैडम क्यूरी समझेगी। अभी मजा चखाती हूँ इसे। ऐसा कहकर काव्या राधिका के खाने के डब्बे में एक नकली छिपकली रख देती है और लंच पैक करके उसे देने बाहर चली जाती है, जिसके बाद लंच देते हुए वो उसे बोलती है, ये लो तुम्हारा लंच, अच्छे से खा लेना। इसमें सच में खाना ही है ना, कहीं कुछ और तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, और कुछ क्या होगा इसमें, खाना ही है सच्ची। ठीक है, थैंक यू भाभी, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय, अपना ख्याल रखना और खाना जरूर खा लेना। राधिका कॉलेज के लिए निकल जाती है, जिसके बाद काव्या खुद से बोलती है, जाओ जाओ मेरी प्यारी ननन जी, आज जब सबके सामने तुम लंच करने बैठोगी ना, और जो तुम्हारी बेइज्जती होगी वो सोच सोच कर ही मुझे बड़ी खुशी हो रही है। काव्या खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है और वो काव्या से बोलती है, बहू तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ भी तो नहीं माँ जी। राधिका गई? जी माँ जी, वो चली गई। खाना ले गई या नहीं? हाँ जी माँ जी, मैंने दे दिया था। ठीक है, चल अब मेरे लिए भी खाना लगा दे। ठीक है माँ जी। काव्या अपनी सास के लिए खाना लगा देती है। शर्मिला खाना खाना शुरू करती है। पहला निवाला खाते ही शर्मिला काव्या से बोलती है, ये क्या बनाया है? क्या हुआ माँ जी? इस खाने का तो भूगोल ही बिगाड़ रखा है तूने, ना नमक का ठिकाना है ना ही मसालों का। अब इसमें मेरी क्या गलती है माँ जी? मैं तो खाना बनाते वक्त उसका स्वाद चेक कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ ननन जी आ गई और उन्होंने मुझे ऐसा करते देख लिया और मुझे रोकने लगी। अब आप ही बताइए, बिना खाने को चेक किए मैं कैसे अंदाजा लगा सकती हूँ कि वो अच्छा बना है या बुरा? तू खाने में नमक नहीं चेक कर रही होगी, बल्कि पूरा खाना ही चेक कर गई होगी, इसीलिए मेरी बेटी ने मना कर दिया। अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस बस, मुझे अब कुछ और नहीं सुनना, और मेरा खाना हो चुका है, अब तू खा ले। ये कहकर शर्मिला खाना छोड़कर वहाँ से उठ जाती है। उसके जाने के बाद काव्या खुद से बोलती है, चलो अच्छा है, माँ और बेटी दोनों चली गई, अब मैं अपना बनाया हुआ स्पेशल खाना खाऊंगी। काव्या किचन में जाती है और अपने लिए दूसरा खाना लेकर आती है और चैन से बैठकर खाने लगती है। खाना खाते हुए काव्या खुद से बोलती है, वाह काव्या वाह, क्या खाना बनाया है तूने, मजा ही आ गया। खाना खाने के बाद वो आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर सो जाती है। दूसरी तरफ राधिका इस बात से बेखबर लंच टाइम होने का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। जैसे ही उसका लंच टाइम होता है, वो अपने टिफिन को खोलने ही वाली थी, पर टिफिन खोलते खोलते रुक जाती है और खुद से बोलती है, मेरी भाभी बिना किसी शैतानी के तो मुझे खाना दे नहीं सकती। एक काम करती हूँ, अपना लंच बॉक्स सबसे अलग खोलती हूँ, वरना इसके अंदर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। राधिका अपना लंच बॉक्स ले जाकर सबसे अलग बैठ जाती है। फिर वो अपना लंच बॉक्स खोलती है और उसमें देखती है। देखने के साथ ही वो एकदम चौंक जाती है और खुद से बोलती है, अच्छा हुआ कि मैंने इसको अकेले ही खोला, वरना बाकी सब लोग तो डर जाते। वैसे मानना पड़ेगा, भाभी ने चाल तो कमाल की चली थी, छिपकली से मुझे डराना चाहा, पर वो ये बात भूल गई कि उन्होंने ये पहले भी किया हुआ है, इसलिए अब मुझे उनकी बचकानी हरकतों से बिल्कुल डर नहीं लगता। राधिका उस नकली छिपकली को निकाल कर अपने बैग में रख लेती है और सबके साथ जाकर खाना खाने लगती है। कॉलेज पूरा होने के बाद वो अपने घर वापस जाती है और अपना लंच बॉक्स किचन में जाकर रख देती है और खुद फ्रेश होने चली जाती है, जिसके बाद में काव्या रसोई में जाकर उसका लंच बॉक्स देखती है और खुद से बोलती है, अरे ननन जी का लंच बॉक्स तो यहाँ रखा हुआ है और वो बहुत शांत भी नजर आ रही है, उनको लंच बॉक्स में छिपकली नहीं मिली क्या? एक बार जरा देखती हूँ क्या माजरा है। काव्या लंच बॉक्स खोलकर देखने लगती है। वो जैसे ही डब्बे को खोलती है, उसके अंदर उसे एक बिच्छू नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और लंच बॉक्स को अपने से दूर फेंक देती है। जैसे ही वो लंच बॉक्स गिरता है, तो उसमें से एक चिट्ठी भी निकलती है। वो चिट्ठी को उठाकर पढ़ने लगती है। भाभी,
एक गलती दो बार नहीं करते, अगर दूसरी बार भी वो गलती करो तो वो गलती नहीं बेवकूफी बन जाती है। अगली बार लंच बॉक्स में छिपकली मत भेजना, वो पुरानी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा तोहफा पसंद आया होगा। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद काव्या बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो सीधे राधिका के पास जाती है और गुस्से में उसे बोलती है, ये सब क्या है राधिका? मतलब तुमने जो मेरे साथ किया उसकी बात कर रही हूँ। और आपने जो किया मेरे साथ उसका क्या? उसका कोई हिसाब नहीं है। मैं तो बड़ी हूँ, मुझे तो करने का हक बनता है। हाँ मानती हूँ आप बड़ी हो, पर जब बड़े ही भूल करने लगे ना तो छोटों को ही उनको सही रास्ते पर लाना पड़ता है, वरना संतुलन बिगड़ सकता है। काव्या राधिका पर गुस्सा कर रही थी कि तभी शर्मिला और नीलेश वहाँ आते हैं। काव्या उन्हें देखकर चुप हो जाती है। नीलेश काव्या से बोलता है, क्या बात है, इतना शोर कैसे मच रहा है? शोर? आपको पता भी है क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, वो तो हम बस ननद भाभी गप्पे मार रही थी। अरे अब बातें बातें ही करती रहोगी या खाना वाना भी मिलेगा? हाँ यार पता है कितनी भूख लग रही है। बस भैया आप नीचे चलिए, आपको 5 मिनट में खाना मिल जाएगा। जल्दी आ जाना। नीलेश और शर्मिला दोनों नीचे चले जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं, जिसके बाद वो खाने का इंतजार करने लगते हैं। इधर राधिका काव्या से बोलती है, अरे भाभी आप ये क्या करने जा रही थी? भैया को सब सच बताने जा रही थी? अरे सच बताने से पहले ये तो सोच लेती कि जितनी गलती मेरी थी उससे कहीं ज्यादा आपकी थी। मेरा जो होता सो होता, पर आपका क्या होता ये सोचा है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा हुआ जो तुमने वक्त रहते मेरी बात काट दी, वरना आज तो घर से मेरा पत्ता ही कट जाता। अब नीचे चले, उन्हें खाना भी देना है। हाँ हाँ चलो। वो दोनों एक साथ नीचे जाने लगती हैं। नीचे जाते जाते काव्या राधिका से बोलती है, सुनो राधिका। जी? मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं भाभी, बस मुझे खाने में छिपकली मत देना। नहीं नहीं अब कभी नहीं दूंगी। वो दोनों नीचे जाकर सबको खाना खिलाती हैं और खुद भी खाना खा लेती हैं, जिसके बाद अब से वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं लड़ती। काव्या भी अपनी बचकानी हरकतों से बाज आ जाती है। काशिका को अपने लंबे घने और चमकदार बालों पर बहुत नाज था। वो जहाँ भी जाती सब उसके लंबे बालों को देखकर उसकी बहुत तारीफ किया करते। एक दिन वो और उसकी फ्रेंड कॉलेज के ग्राउंड में बैठकर बातें कर रही होती हैं। तभी हीना उसे बोलती है, यार काशिका तेरे इतने लंबे और घने बालों का राज क्या है, मुझे भी बताना यार। अरे हर किसी के बस की बात थोड़ी ना है बालों को यूँ सवार के रखना, मैं तो इनका बहुत ख्याल रखती हूँ और कुछ भी नहीं। यार फिर भी कुछ तो बता जिससे मेरे बाल भी बिल्कुल तेरे बालों जैसे शाइन करने लगे। एक काम कर यार, तू ना गंजी हो जा, इतने बड़े सर पर चिंदी से बाल लेके घूम रही है। काशिका को अपने ऊपर हंसता देखकर हीना को बहुत गुस्सा आता है, पर वो उसे चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती, जिसके बाद दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। काशिका अपने घर आती है तो वहाँ उसके माँ विनीता उसकी सहेली जानकी से बातें कर रही होती है। तभी उसकी नजर काशिका के लंबे और घने बालों पर जाती है, जिसे देखकर वो विनीता से बोलती है, हाय दैया, विनीता तेरी काशिका के बाल तो दिन पर दिन डायन की तरह लंबे होते जा रहे हैं। थू थू थू, हाय तू तो मेरी बेटी के बालों को नजर ही लगा देगी। चल अब अपने घर को निकल, कितनी देर हो गई है तुझे गप्पे लड़ाते हुए। जानकी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन काशिका तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलने वाली होती है, तभी उसकी माँ आकर बोलती है, अरे सुन सर पर पल्लू कर कर जा, आस पड़ोस की लुगाइयों की नजर तो तेरे बालों पर ही रहती है। अपनी माँ के कहने पर काशिका सर पर पल्लू रख कर कॉलेज जाती है। उसे ऐसे देखते ही हीना बोलती है, अरे बहन जी कहीं आप मंदिर जाने की जगह कॉलेज तो नहीं आ गई? वो मंदिर आगे से 2 गली छोड़कर आता है। अब तू भी खिल्ली उड़ा ले मेरी। काशिका बोल ही रही होती है कि तभी हीना अपने बैग से एक शैम्पू की बोतल निकाल कर काशिका को देते हुए बोलती है, काशिका ये ले, इस शैम्पू को यूज करने से तेरे बाल बिल्कुल सिल्की हो जाएंगे। या तेरे बाल लंबे घने तो हैं, पर साथ ही बहुत रफ भी हैं। ये शैम्पू मुझे मेरी लंदन वाली मौसी ने दिया है, तो मैंने सोचा तुझे भी दे दूं। अरे वही मौसी ना जिनके बाल बहुत स्मूथ और शाइनी है, फिर तो मैं इसे जरूर यूज करूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल यूज करना।
तभी तो जो मैं चाहती हूँ वो होगा। इसे लगाने के कुछ दिन तक तो तेरे बाल बहुत सिल्की होंगे, लेकिन इसमें मिले केमिकल से तेरे ये सर का हरा भरा खेत बंजर ना हो जाए तो कहना। शाम को घर आने के बाद काशिका हीना के दिए हुए शैम्पू से अपने बालों को धोती है, जिसके बाद वो अपने बालों को कंघी करते हुए बोलती है। वाह यार, हीना के दिए हुए शैम्पू ने तो मेरे बालों की काया ही पलट दी, एकदम गजब के लग रहे हैं। अभी माँ को बताती हूँ। वो अपनी माँ के पास जाती है और उसे अपने बालों के बारे में बताती है, जिस पर उसकी माँ विनीता बोलती है। अरे पागल, कितनी बार कहा है तुझे कुछ भी ऐसा वैसा मत लगाया कर बालों में। ऐसे ही काशिका अपने बालों को रोज उसी शैम्पू से धोया करती। कुछ दिन तक तो उसके बाल बहुत ही सिल्की और शाइनी रहे, पर कुछ दिन बाद काशिका के बाल अचानक टूटने लगे। और ऐसे ही एक दिन जब वो बालों को धोने के बाद उन्हें तौलिए से पोंछ रही थी, तो वो देखती है कि तौलिए के अंदर बहुत सारे बाल टूटकर चिपक गए हैं। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और अपनी माँ को बुलाते हुए कहती है। माँ इधर आओ ना जल्दी, देखो। अरे आ रही हूँ, बोल कौन सा पहाड़ टूट गया ऐसा जो ऐसे चिल्ला रही है। अरे माँ, पहाड़ टूटता तो परवाह ही किसे थी, यहाँ तो मेरे प्यारे बाल टूट रहे हैं, मैं क्या करूँ। कितनी बार कहा है तुझे कि ऐसे तरह तरह के शैम्पू मत यूज किया कर, पर मेरी बात की तो कोई सुनवाई ही नहीं है, देख ले अब क्या हो गया। काशिका उस शैम्पू की बोतल को उठाकर गुस्से में बाहर फेंक देती है। और ऐसे ही धीरे धीरे काशिका के घुटनों तक लहराने वाले बाल झड़ झड़ कर कमर तक रह जाते हैं। अपनी बेटी के बालों को झड़ता देखकर एक दिन विनीता काशिका को बोलती है। सुन, कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो अच्छे से तैयार हो जाइयो, क्योंकि जिस तरह से तेरे बाल झड़ रहे हैं ना, मुझे तो बस यही चाहिए कि गंजी होने से पहले तेरी शादी हो जाए। अगले दिन अर्नब नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ उनके घर आता है और काशिका उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। उसे देखकर लड़के की माँ संध्या बोलती है। अरे वाह बहन जी, आपकी बेटी के बाल तो बहुत ही ज्यादा चमक रहे हैं और लंबे भी हैं। अरे क्या बताऊँ बहन जी, इसके बाल तो घुटनों तक लहराते थे, वो तो मैंने ही छोटे करवा दिए, क्योंकि गर्मी में इतने लंबे और मोटे बाल संभलते नहीं है ना। अर्नब और काशिका एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और पूरे रीति रिवाज के साथ में दोनों की शादी हो जाती है। ससुराल में काशिका अपने पूरे ससुराल को अच्छे से संभाल लेती है, लेकिन काशिका अपने बालों के झड़ने से बहुत ही परेशान थी। उसके झड़ते हुए बाल कभी किचन, कभी बाथरूम, तो कभी ड्रेसिंग टेबल पर भी पड़े मिलते। इसी के साथ साथ उसे तो अपने कपड़ों में भी आजकल वही बाल नजर आने लगे, जिससे उसकी सास और पति भी बहुत तंग हो चुके थे। ऐसे ही एक दिन वो तीनों बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी उसकी सास को खाने में बाल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काशिका से बोलती है। आए हाय बहू, एक तो तेरे सिर में दो ही बाल बचे हैं, ऊपर से एक तूने मेरे खाने में ही डाल दिया। अरे काशिका, तुम अपने झड़ते बालों के लिए कुछ करती क्यों नहीं? मेरे लंबे घने काले बालों को पता नहीं किसकी नजर लग गई। अर्णव जी, ये तो झड़ते ही जा रहे हैं बस। अरे ऐसा ही रहा तो तुम्हारे सर पर ये जो दो चार फसल बची है ना, वो भी साफ हो जाएगी। मतलब? अरे दिमाग से पैदल औरत, तू गंजी हो जाएगी, समझी? मैं तुझे कुछ घरेलू नुस्खे बताती हूँ, तू उन्हें इस्तेमाल करियो, फिर देखियो तेरे बाल झड़ना कैसे बंद हो जाते हैं। इतना कहकर संध्या उसके बालों में प्याज का रस लगा देती है और कुछ देर बाद वो अपने बाल धो लेती है, लेकिन प्याज की स्मेल फिर भी नहीं जाती। रात को सब खाना खाकर सो जाते हैं, तभी अर्नब को एक अजीब सी स्मेल आती है और वो उठकर बोलता है। अरे कमरे में कोई चूहा मर गया है क्या, इतनी स्मेल क्यों आ रही है? छी, ये स्मेल तो तुम्हारे बालों से आ रही है, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा ये, मैं जा रहा हूँ बाहर सोने। ऐसे ही काशिका की सास उसे कभी मुल्तानी मिट्टी से बाल धोने को कहती, तो कभी प्याज का रस लगाने को। ऐसे ही वो काशिका के बालों पर सारे घरेलू नुस्खे आजमा लेती है, लेकिन फिर भी उसके बालों का झड़ना बंद नहीं होता, बल्कि इन सब से तो उसके बाल और टूटने लगते हैं। अपने बालों के झड़ने से परेशान होकर
काशिका अपने कमरे में एक कोने में बैठकर रोने लगती है। तभी उसकी सास उसके पास आकर कहती है, तू तैयार हो जा, अर्नब ने हमें उसके ऑफिस के पास आने को कहा है। वो दोनों तैयार होकर अर्नब के ऑफिस पहुंचती हैं। वहां से अर्नब उन्हें एक हेयर एक्सपर्ट के पास लेकर जाता है और वो काशिका की प्रॉब्लम को सुनकर उसके बालों को देखते हुए उसे एक हेयर ऑयल और शैम्पू देते हुए बोलता है, आपको इसका इस्तेमाल हफ्ते में सिर्फ दो बार करना है और ध्यान रहे कि किसी भी केमिकल वाले प्रोडक्ट का यूज आप ना करें, क्योंकि केमिकल से ही हमारे बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। जी मैं इस बात का बिल्कुल ध्यान रखूंगी, बस मेरे बाल झड़ने बंद हो जाए। हाँ हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे सर की फसल एक बार फिर से लहराने लगेगी। तो क्या मेरी बहू के बाल कभी नहीं झड़ेंगे? जिसके बाद वो तीनों घर आते हैं और काशिका वैसे ही उस ऑयल और शैम्पू का इस्तेमाल करती है जैसे उसे बताया गया था। ऐसे ही समय बीतता जाता है और धीरे धीरे काशिका के बाल झड़ने बंद हो जाते हैं और उसके बाल पहले जैसे लंबे ना सही, लेकिन उसके बाल ना झड़ने के कारण घने जरूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।